माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 52 पंचायत राज विभाग और मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, इस सरकार ने पुरानी घोषणाओं में तो आधी से भी ज्यादा पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, अभी भी बाकी है। इस बजट में आदमी कहां से आमदनी कहां से होगी, इसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। घोषणा और बजट को तो आपने पारित कर दिया, मगर 2023 में सरकार रिपीट नहीं होने वाली, इसकी मनमर्जी से घोषणा कर रहे हैं। यह बजट डूबती हुई सरकार का पोस्ट डेटेड चेक है। सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों की विकास की अगर देखा जाए तो विकास अधिकारी आज ग्राम पंचायतों में मंत्री महोदय, हमारे मंत्री महोदय बहुत ही सहनशीलता रखते हैं और पुनिया जी से बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मंत्री महोदय, हमारी पंचायतों में विकास अधिकारी जो सचिव है, आज भी 3 दिन पंचायतों में एक एक सचिव को कार्य दे रखा है, इसलिए विकास के अंदर बाधा हो रही है। अगर आपको जांच करनी है तो गिरवा पंचायत समिति को देखना, उसके अंदर 3 दिन पंचायत है एक सचिव को दे रखी है। पंचायतों का लाइट बिल कटा जा रहा है, उनकी किस्तें बराबर नहीं हो रही है, और पनगट योजना का बिल जो पंचायत के ऊपर है उसको पीएचडी के अंदर रखेंगे तो गांव में विकास भी होगा, पंचायत के वास्तव में विकास के लिए वो राशि बचेगी। राशन डीलर आज वास्तव में धरने पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी सरकार कुछ सोचे और उनकी मांगों पर गौर करके और उनको कोई न कोई सुविधा देने का वादा करे। माननीय सभापति महोदय, विकास की बात की है और खाद्य सुरक्षा में आज भी हमारे वो गरीब परिवार, आप खाद्य मंत्री भी रहे हो माननीय मंत्री महोदय, आपसे ज्यादा छुपा हुआ नहीं है, मगर आज भी हमारे ग्रामीण खाद्य से वंचित है, क्योंकि पोर्टल खोली नहीं है, और खोली नहीं है तो जो अधिकारी है इस योजना से लाभ लेने के अधिकारी है, जिनके घर में खाने को दाना नहीं है, रोजगार नहीं है, और उनको आज भी राशन से वंचित रख रखा है, इसलिए पोर्टल खोल के उनको आप राशन दिलाने के लिए उनका नाम जोड़ा जाए। साथ में सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जो वन अधिकार सामुदायिक पट्टे हैं, चाहे हमारे स्कूल का हो, आंगनबाड़ी का हो, चाहे महाबाड़ी का हो, चाहे हमारे वन विभाग में रहने वाले, बरसों से गांव में रहने वाले जो लोग वन विभाग में अपना घर गुजारा कर रहे हैं, उनके वहां रोड जाने का नहीं है, उनके लिए भी ये पट्टे देकर उनको व्यवस्था देने का कोई न कोई प्रावधान रखे, ताकि हमारे गांव के आदिवासी लोग अपना सरकारी योजना का भी लाभ ले सके। सभापति महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उदयपुर की जिले पीने की सर्वोच्च एक जिलों की नगरी है, मगर वहां पर मृत पशुओं को डालने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, और वो जो उसकी जो मृत पशु की मिट्टी है वो हमारी पिचोला झील, फतेह सागर झील, बड़ी वगैरह इन झीलों में जा रहा है और वो हमारे पीने को के काम में आ रहा है। एक उदाहरण देता हूं मैं, उदयपुर के पास में गोरेला गांव है, वो रोड के किनारे मवेशी डाल देते हैं, वहां पर कम से कम एक परिवार के पास में 20-20 30-30 और 100-100 मवेशी है, और वो आए दिन को इनको ही बेचारा मर जाता है, तो रोड पर डालने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। मंत्री महोदय, कोई न कोई ऐसी पंचायत में व्यवस्था करवाए जो मृत पशुओं के लिए या तो एक स्थान चिन्हित किया जाए या फिर उनको उठाकर कहीं कहीं नगर पालिका लेके आए। ऐसी स्थिति में हमारे ये जो पंचायतें हैं, चाहे सिसारमा, बूजड़ा, गोरेला, चौकड़िया, बड़ी उंदरी, छोटी उंदरी, अलसीगढ़, पाई, पिपलवास आदि ऐसी पंचायतें हैं जहां पर
मृत पशु का कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। महानरेगा के अंदर जो हमारे मजदूरों को बराबर भुगतान नहीं हो पा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत कालीवास पोपल्टी धार जाबला सरू सरूपाल चनावदा खजूरी करपीणा अमरपुरा चांसदा छोटी उंदरी बड़ी उंदरी अनेक ऐसी पंचायत मजरा ठाणी वहां पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है। आज नरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूरों को कहीं न कहीं नेटवर्क पर आकर उनको अपना अंगूठा लगाकर दर्ज कराना पड़ता है और दो दो तीन तीन दिन तक उनको मतलब ये समस्या आ रही है जो नेटवर्क की जो भारी समस्या है। इससे हमारे गांव वासियों को आप राहत दिलाने के लिए कोई न कोई मंत्री महोदय आप भी ट्राइबल से आ रहे हो और ट्राइबल हमारा ऐसा एरिया है जहां पर नेटवर्क की व्यवस्था करवाए। सरकार के विधायकों ने अपने नेता राजीव गांधी जी का नाम लिया। मैं राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उन्हीं की बात करता हूं कि कांग्रेस का विकास कैसे हो। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री रहते हुए कि इस ग्राम का विकास कैसे होगा, मैं एक रुपया भेजता हूं और उस लाभार्थी के पास में केवल और केवल 15 पैसा पहुंचता है, इसलिए इस कांग्रेस का विकास नहीं हो पाया और ना जनता का विकास हुआ। सभापति महोदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे वहां से डायरेक्ट खाता खोलकर उस लाभार्थी तक पैसे पहुंचाने का काम किया। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत पोपल्टी उच्च प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है और वहां पर जो फांदा गांव है राजस्व गांव है और वहां पर प्राथमिक विद्यालय है और दूसरी उच्च प्राथमिक विद्यालय कम से कम 6-6 किलोमीटर दूर है। वहां के बच्चे पढ़ाई से वंचित है। मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय तो कम से कम खोले ताकि वो हमारे बच्चे वहां पढ़ सके। सभापति महोदय अमरपुरा ग्राम पंचायत में वर्षों पहले एक डैम बना था, वहां पर अमरपुरा के अंदर बना हुआ है, टीडी डैम के नाम से पुकारा जाता है, मगर अमरपुरा पंचायत और गांव वालों को न तो सिंचाई के लिए पानी देते हैं ना उनको पीने का पानी देते हैं। उसके लिए भी आपको इनको ऐसी व्यवस्था कराएं ताकि हमारा वहां के गांव को राहत मिल सके। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जिसे पीने पर व्यक्ति में अपने अधिकारियों के लिए दहाड़ने की ताकत आ जाती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना हो तो शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सरकार 20% नामांकन वृद्धि द्वारा दावा किया है, लेकिन यह पूर्व सरकार की योजना थी, उसी की बदौलत बच्चे तो नामांकन बढ़ गया मगर शिक्षा के लिए अध्यापक नहीं है। आज भी मेरी ग्रामीण विधानसभा में सभापति महोदय अनेक स्कूलों में अध्यापकों की रिक्त पद पड़े हैं, उनको भरवाने का श्रम करें ताकि हमारे गरीबों को। माननीय सभापति महोदय आपने मांग संख्या 52 पे